मेरे नाना जो थे ही वॉज फ्रॉम क्वेटा, सबसे पहले मुझे काम भी एक्टिंग का मिला। आप कभी जिंदगी में लाइफ में नहीं आ सकते अगर उसने नहीं दिया तो। सारे आदमी माइसेल्फ एंड नियाज अहमद सब एकदम से करके वल्लन फकीर अपना पोटला लिए हुए गुजरा था हमने से तो नहीं बोले थे, अरे ये इसको ले लो यार, जहाँ ये पहुंचा ना हुम्मा हुम्मा। मैंने कहा उस्ताद यही डालना है, यही है। बाबा मैंने कहा सर दिस इज द सॉन्ग। खैर किसी तरह मैंने कहा हसन सही कर लो अब आप महसूस, मैंने वो इशारे बना लिए ठीक है। मैंने कहा मैं जब यूं करूँ ना फिर तुम शुरू हो जाना। वाह तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट रहा एंड वेरी सक्सेसफुल माशाल्लाह से। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वॉइस ऑफ साउथ एशिया के टी टाइम के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान शैला महमूद। और जनाब उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। पिछला आपका हफ्ता कैसा गुजरा है आपने ज़रूर हमें फीडबैक में जो है ना वो बताना है कि आपका पिछला हफ्ता कैसा गुजरा। तो जनाब आज हमारे टी टाइम में जो हमने मेहमान बनाया है, जिनको जिन शख्सियत को हमने आज मदु किया है, उनका ताल्लुक जो है वो दुनियाए मौसीकी से है। वो मौसीकी की दुनिया में अभी तक जो है वो मज़े मज़े की जो है ना वो धुने और मज़े मज़े के गाने बनाते चले आ रहे हैं। तो जनाब अब हम ज़्यादा देर नहीं करेंगे, हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं आज मोहम्मद अली शेखी साहब से। कैसे हैं आप? ज़्यादा तमहीद नहीं बांधी कर इसलिए मैंने जल्दी से कहा कि हम ज़्यादा देर नहीं करते और फ़ौरन से मैं आपकी तरफ आ गई हूँ। तो शेखी साहब बहुत शुक्रिया वॉइस ऑफ साउथ एशिया को टाइम देने के लिए। और यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं कि मोहम्मद अली शेखी, अक्सर लोगों को जो होता है शेखी से बड़ा वो होता है कि ये क्या है, तो ये आज आप बताएं। तो चक्कर है, आज मेरे ख्याल में 40 साल हो गए इनको समझा के ये शेखी नहीं है, ये शेखी नहीं है, ये शेख चिल्ली नहीं है, ये है शीहा की। ओके, जो के रवानी में शेखी बोल देते हैं। शेखी 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 चले जी आज कर सीधा सीधा शेख चिल्ली बोल दो। बिल्कुल वो नहीं है नाज़रीन, तुम के ये शेख चिल्ली तो नहीं है, सीधा सीधा शीहा की। क्या मतलब है सर इसका? इसका मतलब है वो पुराने जमाने में जब हमारे आबा व अजदाद आए थे अरब से ईरान आए थे, तो वो ईरान में ज़्यादातर पारसी लोग थे, पारसी आतिश परस्त, तो उनको मुसलमान कर रहे थे। तो इनका नाम पढ़ते 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 ईरानियों ने शेख रख दिया था। शेख सही। शेख का मतलब एक किस्म का बादशाह होता है जैसा दुबई में शेख होते हैं। सही। उनका नाम, और चूँकि ये देर वेल टू डू पीपल तो वो जड़ें पकड़ गई वहाँ, वो बोलते रहे। वो तो शेख था जो बड़ा शेख था, उसका इंतकाल हो गया तो उसके बेटे ने वो जद्दी गद्दी संभाली। सही। ठीक है, अब जब वो बैठ गया तो उसका नाम रखा शेख हक। सही। शेख हक मतलब शेख था ना, शेख से शेख हक हक हो गया छोटा। ठीक है, अब उस एरिया के जो लोग थे वहाँ तर्कश भी ज्यादा थे। सही। तो वो खे को प्रोनाउंस नहीं करते। जैसा उनके अंदर एक प्ले भी चला था खालिद, तो वो खालिद बोल रहे हैं। बिल्कुल ऐसे। तो वहाँ वो शेख शेख शेहक हो गया, वो शेहक हो गया। ओके, अब वहाँ से वो पे नस्ल चले चलते 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 फिर वो आपके सामने शेखी हो गया। खैर, तो शेखी साहब एक ही है हमारी म्यूजिक इंडस्ट्री में शुरू से लेकर अभी तक। तो यहाँ ये भी आप बताएं कि आपका जो ताल्लुक है वो ईरान से भी है और आप जो है वो आधे पाकिस्तानी हैं और आधे पर्शियन भी हैं, तो ये भी हमारे नाज़रीन को बताएं जरा। इस तरह बहुत है, पाकिस्तान इज ऑल्सो लैंड ऑफ इमिग्रेंट्स, या बहुत सारे ईरानियंस हैं जो सेटल हो चुके हैं, पाकिस्तानी हो चुके हैं और ऐसी उर्दू बोलते हैं, हमसे भी अच्छी उर्दू बोलते हैं। इसी तरह मेरे भी बहुत सारे ईरानी पारसी बहुत ज़्यादा हैं, तो यहाँ उनके होटल्स हुआ करते थे। ठीक है ना, वो आधे इसी तरह मेरी तरह हो गया। अच्छा, हम लोग यहाँ आए, हम लोग क्यों एक्सेप्टेड हो गए, हमें पासपोर्ट क्यों फ़ौरन मिल गया, क्योंकि मेरे नाना जो थे ही वॉज फ्रॉम क्वेटा, ही वॉज अ मेंगल, जिंजू एंड मेंगल मिक्स। तो
तो वह ये कि हमें जब ये प्रॉब्लम हुआ ईरान का जो रिवॉल्यूशन आ गया तो काफ़ी लड़कों को पकड़ के वो ले जा रहे थे पकड़ रहे थे, तो हमें ये एडवाइस दिया गया कि हम चूंकि शाह के दौर के थे कि आप ईरान नहीं जाएगा सही। और मगर चूंकि गवर्नमेंट की एडवाइस थी पाकिस्तान गवर्नमेंट को जो ईरानी स्टूडेंट्स हैं सबको पकड़ के आप भेजें रिपोर्ट करें उनको ताकि वहाँ अच्छा सुना के वहाँ खैर ये बड़ी खतरनाक बारे में नहीं कर सकता। हाँ, ओके, डिबेट। तो मैं यहीं रह गया, मेरे फादर चले गए ठीक है, वो चले गए वहाँ से, फिर वो दुबई चले गए, फिर उन्होंने दोबारा शादी। और आप यहाँ पाकिस्तान आ गए? मैं यहाँ, मैं इधर जब मैं जब मेरा गाना वाना हिट हुआ मेरे चारों तरफ से वो प्रोग्राम शोज रिकॉर्डिंग ये वो, मतलब मैं सो रहा हूँ तो पैसे कमा रहा हूँ। क्या बात है। और आपका तो वो नगमा भी बड़ा मशहूर हुआ था ना, मैं भी पाकिस्तान हूँ तो वही पूछने वाली थी कि आप आधे ईरानी है लेकिन मेरे नाना। सही सही बिल्कुल, वो कहते हैं ना कि खून जोश मारता है। सही, मगर ये बात यह है कि मैं इस चीज को ज्यादा बिलीव नहीं करता बाउंड्रीज पे, क्योंकि बेसिकली रेसिस्ट जो जिसको हम कहते हैं ना कि आप प्रेजिडिस ना हो, आप कंजर्वेटिव ना हो, दो दुनिया में है कौमें हैं, आप नेगेट नहीं कर सकते उनको। और हर किसी का अपना एहतराम है, कौम है कुछ भी कर जाए आप। देखिए इस्लाम मजहब है, मजहब इज यूनिवर्सल, कोई भी हो सकता है, कोई भी कौम का हो, काला हो नीला हो पीला हो, मगर कौम कौम होती है उससे शनाख्त आपकी होती है। जैसे जर्मन कौम है, जैसे एरियंस हैं, एरियंस एक ऐसी कौम है जो सबसे ज़्यादा अपने आप को सुपीरियर समझती थी, जिसमें ये पंजाबी हैं ये भी एरियंस हैं, जर्मन तो थे एरियन, ईरानी एरियंस थे, यूनानी एरियंस हैं और टर्किश एरियंस हैं, दे वर वेर क्वाइट टॉल एंड यू नो गुड लुकिंग एंड फलाना फलाना, और ये वेपनरी वगैरह में बहुत आगे थे। खैर अब उस वजह से मैं कह रहा हूँ कि ये जो बाउंड्रीज जो बनाते हैं ना कंट्रीज का, ये इंसान की बनाई हुई है, कभी टूट जाती हैं कभी जुड़ जाती हैं, कभी अपने मफाद के तहत जुड़ जाती हैं और अपने ही मफाद के तहत टूट हुई जाती हैं। ये पासपोर्ट्स वगैरह ये क्या है, ये दिस इज नॉट नेचुरल, इट्स दिस मैन मेड है ना, मैन मेड चीज है। खैर वो कहते हैं ना कि म्यूजिक की तो कोई बाउंड्री नहीं होती, तो मोहम्मद अली शेख जो है वो उनको कब लगा कि मैं जो हूँ वो गाना गा सकता हूँ, क्या आया बचपन से लोग आपको इनकरेज करते थे या फिर एक बहुत अजीब बात है, बचपन से ये बात है, हम फिल्म देख के आते थे तो उसी सीन को हम कॉपी करके, हम तीन चार लड़के थे, एक हमारे साथ लड़की भी थी, आपके दोस्तों का ग्रुप, हाँ पूरा फिल्म देखी जैसे सैमसन डिलायर देखा हमने, हमने आके उस वही कॉपी करे मार दाल तलवार अच्छा, वो हाँ। अच्छा सीन रिक्रिएट करते थे, वाह वाह तो क्या बात है, ये भी एक अलग एनवायरनमेंट होती है, इनएक्टमेंट जिसको इनएक्टमेंट कहते हैं, तो वो करते थे और इतना नेचुरल करते थे कि उसकी आदत हो गई। इसीलिए जब टेलीविजन में गया तो सबसे पहले मुझे काम भी एक्टिंग का मिला, वाह वाह क्या बात है, वो भी मारधाड़ का, सही क्योंकि आप ऑलरेडी उसमें एक्सपर्ट हो चुके थे। तलवारबाजी और ये वो अच्छा गाने का इत्तेफाक ऐसा है कि जब मैं सिंपैटिक्स में था, सिंपैटिक कॉलेज में, तो ऐसे ही गाया करता था, मैं फिल्म देख के आया, ओल्ड टर्की बजुर्ग सॉन्ग था मैकेनिस गोल्ड फिल्म का नाम था, ये गाना बड़ा अच्छा था, मैंने याद कर लिया उसको, मैं कॉलेज में गाया करता, लड़के सुनते थे बड़े खुश होते थे, करते करते हमारा एक बैंड बन गया जिसके नाम हमने रखा बग्स बैंड, जिसमें असलम मनियार था, जिसमें मैं था, जिसमें क्या नाम इमरान था, हाँ और वो था फारूक था, ये सब तो हम कॉम्पिटिशन्स होते थे, सही कॉलेज लेवल पर गाते थे, कॉलेज लेवल कॉम्पिटिशन्स होते थे, तो एक दफ़ा हम तो तकरीबन जीत गए, दूसरी दफ़ा बहुत बुरी तरह हारे, क्योंकि सोलोइस्ट का ज़माना आ गया, जैसे जैसे सिंगर होते हैं सोलो, सर मैं सोलो सिंगर हूँ, जैसे माइकल जैक्सन सोलो सिंगर है, बैंड का रिवाज ज़्यादा नहीं था, तो वो कलीम लंगड़ा उसका तखल्लुस था, उसने ऐसा गाया कि सबकी ऐसी की तैसी कर दी, वो जीत गया
बड़ा डिसहार्टेंड हो गया। हमारे फौरन बाद उर्दू कंपटीशन थी, उर्दू म्यूजिक, उस जमाने में नया नया सॉन्ग आता वो ओ मेरे दिल की चैन, ओके मुझे याद था। लड़कों ने कहा यार तू ये गा दे कम से कम, ये याद हो तो जीत जाएगा, तुम्हारी वॉइस ऐसी है वैसी। मैं चला गया, वो लड़की गा रही थी कोई भी, तो पिछले साल वो टॉप किया था उसने। मैंने गाया, मैं कहना वो क्या ओ मेरे दिल की चैन, खामोशी छा गई। मतलब उससे पहले क्या था, इंडियन सॉन्ग नहीं गाते थे लोग। ओके अच्छा, पाकिस्तानी फिल्मों के गाने वैसे भी टॉप थे। तेरा साया ना दे देता देना, तो वो लड़की ही गा रही थी। मैंने ये जो गाया तो फिर वो सारे सकते में आ गए। फिर मैंने पूरा गाना गाया, लोगों ने फिर गया वंस मोर, फिर मैंने गाया और फिर मुझे विनर करार दिया गया। क्या बात है, सही यार। मैंने कहा यार ये तो बड़ा अच्छा, अच्छा चीज हो गया, अच्छा सीन हो गया, ये तो अच्छा सीन हो गया। फिर मैं जहाँ भी जाऊँ, किधर भी जाऊँ, मेहदी खान साहब के गाने भी मुझे याद थे, आपके हम बिछड़े तो कैसे मिलेंगे वगैरह वगैरह। करते 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 फिर कॉलेज इंटर कॉलेजिएट कॉम्पिटिशन हुआ, उसमें मैं सेंट पैट्रिक्स की तरफ से पूरे पाकिस्तान में गया, पूरा पाकिस्तान हम जीत के आए। क्या बात है, और किस गाने से, हम ताब अबद सैयद गैर के वली हैं, हम मुस्तफवी 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 हैं मुस्तफवी हैं। इस गाने में खासियत ये थी कि इसमें दो किस्म के बीट हैं, दादरा और कहरवा। कभी ऐसा नहीं होता है, क्योंकि कहरवा जो है ना, जिसको इंग्लिश में 6/8 कहते हैं, वो हमारे यहाँ उर्दू में उसको 8 मात्रे का होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 सारे गामा पा। अच्छा दादरा का होता है 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 डिंग टक टक डिंग टक टक, ठीक है। तो इस गाने में ऐसा था जैसे है दीन हमारा दीन मुकम्मल इस्तेमार है बातिल असगर है ये दो जद्द मुसलसल इंदल्ला धड़क धड़क द इंद, ये कहरवा गया। तो इस गाने में उसको पिक करना और उसको उस लय में बोलना मुश्किल लगता था, कि कोई जरूरत नहीं कर रहा था। सही, और आप लोगों ने नहीं किया और फिर पूरा पाकिस्तान जीत कर आए कैसे, और फिर धूम मच गई मोहम्मद अली शेखी साहब की। बिल्कुल शेखी साहब से हम मजे मजे की बातें और जानेंगे और इनके एक्सपीरियंसेस भी जो है वो मजीद जानेंगे। यहाँ वक्त हुआ जाता है एक छोटे से ब्रेक का, आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए वॉइस ऑफ साउथ एशिया। हम यूं गए और यूं वापस आए। वेलकम बैक जनाब, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ साउथ एशिया का टी टाइम। मैं हूं आपकी मेजबान शहला महमूद और मोहम्मद अली शेखी साहब हमारे आज मेहमान हैं। और हम ब्रेक पर जाने से पहले जो है वो इनकी जीत का जश्न मना रहे थे कि किस तरह इन्होंने जो मुस्तफ़ी गाना था वो जीत कराए गाया और पूरे पाकिस्तान से जो है वो मुकाबला जीता। अच्छा, उस जीत के बाद फिर जाहिर सी बात है आपको लोगों ने कहना शुरू कर दिया होगा कि इसको एज प्रोफेशन ले, या फिर ये आपके अंदर से था कि नहीं मुझे शोज मिलने शुरू हो गए। क्या बात, अरे मैंने कहा यार ये क्या हो रहा है, ये पैसे हर शाम को जाऊँ इतने सारे पैसे मिल जाते, क्या बात है। और आप सोचते होंगे मुझे करना ही क्या है, जाके गाना तो गाना है। हाँ, और फिर मैंने कहा मैंने अपनी इंजीनियरिंग जो की है उन्हीं पैसों से की है। क्या बात है, और इंजीनियरिंग जो आपने पढ़ी है उसमें कुछ किया आपने? हाँ, एक साल काम किया। मगर यार कहाँ, मैं आर्टिस्ट कहाँ, कंकर पत्थर मट्टी लोहे के घर चादर के घर नहीं नहीं हो सका। लेकिन आप उसको एज प्रोफेशन आपने इंजीनियरिंग नहीं की, प्रोफेशन आपने नहीं की, वो मैंने इंजीनियरिंग की जो मैंने एरोनॉटिक्स का जो कोर्स किया ना उसमें काम आ गई वो, क्योंकि एयर फ्रेम या फ्यूजलाज एयरक्राफ्ट का जो इस विंग स्पैन वगैरह उसको वही चीज आती है उसमें, यील्ड पॉइंट क्या है, एंड्योरेंस क्या है, मजबूती क्या है। तो उससे फिर एरोनॉटिक्स में फिर मैं एवियोनिक्स सीखा, काफी मुझे पसंद आया बिकॉज हम लेकिन खुशी से आप क्या करते थे म्यूजिक, लेकिन खुशी से आप क्या करते थे म्यूजिक, मैं यही पूछना चाह रही थी आपसे कि आज तक मुझे गाने से कभी बोरियत नहीं हुई। क्या बात, यानी 40 साल हो गए गाते हुए अभी भी नया लगता है। क्या अभी भी, अब तो करियोकी वगैरह आ गया ना, कंप्यूटर में लगाता हूँ हर गाने का करियोकी आती है, वर्डिंग आ रहे होते हैं। मैं गा के रिकॉर्ड करके सुनता हूँ, अच्छा लगता है। तो एक अजीब दुनिया है ये म्यूजिक जो है ना, ना म्यूजिक और एक्टिंग और शायरी और स्कल्पचर और जो इनसे कभी आपको जी नहीं भरेगा। अगर आप शायरा हैं
तो आप जिंदगी भर शायरी करेंगे। बिल्कुल। अगर अगर आप स्कल्पचरिस्ट हैं और या पेंटर हैं, जिंदगी भर करेंगे। तो फिर आप गाने से कैसे बोर हो सकते? ये खुदादाद है। बिल्कुल। और ये जो आपके अंदर जो एक तख्लीकी सलाहियत होती है, ऑब्वियसली आपकी आवाज़ अच्छी थी, आपको गाना गाना आता था, वो तो आप गा लेते थे, लेकिन मिला तो वहाँ से था ना, और हर किसी को नहीं मिलता है। कुछ चीज़ें आपके अंदर गॉड गिफ्टेड होती हैं जो कि अल्लाह का नाम होती है। इफ यू डोंट हैव इट, यू विल नेवर हैव इट। बिल्कुल। नो मैटर व्हाट यू डू, कोई आपसे जबरदस्ती नहीं करा सकता। विद होम यू वर्क ऑन इट स्टार्ट वगैरह, कुछ नहीं कर सकता अगर आप लय में नहीं हैं। बिल्कुल। तो आप कभी जिंदगी में लय में नहीं आ सकते अगर उसने नहीं दिया तो। बिल्कुल। आप फिर जितना भी घुस जाए, कुछ भी करें, अगर आपके पास सुर नहीं है, हो सकता है उस्ताद आपको किसी तरह सिखा दे, मगर आप रहेंगे बेसुरे। तो आपको क्या लगता है कि हमारी अभी म्यूजिक इंडस्ट्री में कुछ बेसुरे हैं? बहुत मतनाजा सवाल पूछ लिया मैंने। ऐसे ऐसे हैं कि बस। अच्छा, और मशहूर है। और अफसोस ये होता है कि उसको खुद को नहीं पता लगता कि मैं बेसुरा हूँ। खुद तो लगता होगा शकी साहब, पता नहीं, तो बोलते नहीं कहाँ कहाँ मैं बेसुरा। मैंने कहा ये देखो। अच्छा, आपने कभी किसी को कहा है ऐसा? हाँ, मुंह पर। मैं कह देता, अब मैं चुप कर गया, अब मैं नहीं कह रहा। अच्छा। एक तो कहते ना कि किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। हाँ। वो भी कान है, एलिमेंट है, गाइडेंस जरूर कर देता हूँ कि भाई आप ये राग एमन है, इसका जो कल्याण है वो इसमें ये बना हुआ है, ठीक है। आप पहले राग एमन सीखें, सारे गाँव में पैदल नहीं था, सारे तो पापा कह रहे थे, ठीक है। ये सीखें, उस्ताद से सीखें। जरूरी नहीं है कि आप हारमोनियम बजाएं, यू डोंट नीड टू, बिकॉज हारमोनियम एक क्या होता है, एक कमजोरी हो जाती है कि जब तक वो आप उंगली नहीं चलेगी, वो सुर नहीं लगेगा, आपकी कनेक्शन हो जाता होगा। बिकॉज आप हमेशा उसको जो बजा रहे हैं, अपनी आवाज उससे मिला रहे हैं, ठीक है ना, वो एक कमजोरी हो जाती है। खैर, तो ये कि मैं एडवाइस कर देता हूँ खवातीन को, जरा सा बहुत नरमी से बोलता हूँ, बहुत जल्दी माइंड कर जाती है, वो दुश्मन हो जाते हैं। और वैसे भी ख्वातीन को हमेशा बोलना चाहिए यू आर वेरी गुड लुकिंग, क्योंकि अल्लाह मियां ने ख्वातीन को हसीन बनाया है। ठीक है, आपके बारे में कहा भी जाता है ना, बड़े दिल फेंक मिजाज रखते होना चाहिए। मैं कहता हूँ वो आर्टिस्ट ही नहीं है जो दिल फेंक नहीं। वैसे शायरों के बारे में ये कहा जाता था, तो क्या सिंगर्स के बारे में भी ऐसा होना चाहिए? बिल्कुल यार, ये तो वही भाई, आपको किसने बनाया? फिर आपकी आंखें, आपकी एनर्जी डिफरेंट है। अब मर्द है हमारी, कहते हैं ना तारीफ उस खुदा की जिसने हमें बनाया, बिकॉज दे डोंट केयर दे लुक गुड और नॉट, वो एक अल्लाह तआला की तरफ से। तो बात यह है कि एक हमारा एक ख्याली एक खातून होती है, जैसा दिल क्या करे जब किसी से किसी को प्यार हो जाए। अच्छा, तो बार किसी से भी हो सकता है? किसको सोच के बगारे? मैंने कहा उसी को। कौन उसी को? उसी को बस, वो कहाँ रहती है? मैंने कहा वो ऊपर रहती है। हाँ, तो वो ख्याली एक हुस्न होता है जो आर्टिस्ट उसकी तरफ से सोच के इंस्पिरेशन भी लेता है, और उसको क्योंकि उसने आगे से तो कुछ बोलना नहीं है, जो बात है वो है? तो आपके ख्यालों में ही है ना। हाँ। बस खाली तो रियल लाइफ में जो है वो शकी साहब को कितनी बार जो है ना वो मोहब्बतें हुई हैं? मत पूछे, क्योंकि औरत जितनी हसीन है इतनी कॉम्प्लिकेटेड और इतनी जालिम भी है। बिल्कुल, जालिम पे मैंने बहुत जोर से बिल्कुल कहा। मैंने सुना है ना, उसने मियां की बोटी बोटी कर ली और उसके सालन भी बना लिया। बिल्कुल, कोरमा बनाया था, मुझे याद है। लोगों को खिलाया भी, याद है मुझे ये स्टोरी। तो इससे ज्यादा जुल्म क्या हो सकता है? तौबा तौबा अस्तगफार। मतलब आप डरते भी हैं खवातीन से? बिल्कुल। हाँ, देखो ना, खवातीन आपके संबंध के सामने तो बिल्कुल कमजोर सी चीज होती है, मगर मर्द कितना डरता है उसे। बात देखो ना, वो खौफ खाता है। लड़का है इसके साथ, कोई खुदा ना खासा कोई लड़ाई हो जाए, इतना नहीं डरूंगा मैं, मगर आपसे डर जाऊंगा। क्योंकि मैं खातून हूं इसलिए। नहीं, वैसे डरना भी चाहिए, अच्छी बात होती है। दुनिया भर की खवातीन एक जैसी होती है जब वो बीवी बन जाती है। हाँ, वो फिर आप ज्यादा बेहतर जानते हो। जब आपकी वो गर्लफ्रेंड होती है ना, वो बहुत ही अच्छी, बहुत हसीन, बहुत
रोमांटिक और ये और वो, जहाँ वो बीवी बनी सही वहाँ आप गए। अगर आप बड़ी मुश्किल से काबू होती है औरत, बड़ी मुश्किल से काबू। ये नाज़रीन, ये शहजी साहब जो है ये अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहे हैं, दिल से आ रहा है ये, दिल से। हाँ, आपने अपने बीवी में शक, बीवी के दिल में शक डाला, बस खत्म, फिनिश। वो खत्म नहीं हो सकती, ना नजर आओ ना पकड़े जाओ। ये तो आप एक दफा अगर शक पड़ गया आपके दिल में ना, वो कभी नहीं खत्म होगा। सही, ये औरत। तो आपको कभी ऐसी सिचुएशन का सामना करना पड़ा? कई बार। आप तो जाहिर सी बात है सिंगर थे, पीक पर थे, लड़कियां फैन होंगी। जब भी रेड हुआ कोई लड़की नहीं मिली। नहीं, वैसे मैं पूछ रही हूँ कि होती ना फैन मूवमेंट होती है आपकी और फैन फॉलोइंग होती है आपकी, दुनिया भर में आप परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो कंसर्न होती थी मिसेस इस बात पर, लड़कियां सेल्फियां ले रही हैं या लड़कियां सो तस्वीरें बनवा रही हैं आपके साथ, ऑटोग्राफ ले रही होती है? गलती ये की है कि मैंने अपनी जो प्रीवियस वाइफ है उससे ड्रामे में एक्टिंग करा ली, ये सबसे बड़ी मैंने गलती की। वहां से क्या होता है, इंसान है ना, वो चूंकि देख देख के तो आधी हो गई थी, सब ऑटोग्राफ ले रहे हैं लड़कियां आगे पीछे, और जब उससे वो ऑटोग्राफ ले रहे थे वो उस वक्त जो ना वो आपे से बाहर हो गई, अब ये कुछ नहीं है, जीरो है, है? देखा तुमसे तो ऑटोग्राफ नहीं लेनी, मुझसे ले रही है। मैंने कहा ले चुकी है, इनकी अम्मा भी ले चुकी है। जब आ गए ये ले चुके हैं, नहीं नहीं सारा। तो वहाँ से आस्ता आस्ता जो ना एक यू कॉल इट रिजेंटमेंट और यू कॉल इट जेलसी व्हाटएवर, वो बहुत ज़्यादा एक्सीड कर गया लिमिट से। तो वो आस्ता आस्ता फिर झगड़े की सूरत इख्तियार कर लिया, कॉन्फ्लिक्ट आना शुरू हो गया हर जगह, वो काफ़ी उससे फर्क पड़ा और वो एक नई राह सोचने लगी। I can't really discuss that because okay. तो चले जी, हम फिर इस बात को यही खत्म कर देते हैं क्योंकि यहाँ पर जो हमारे पास ब्रेक का वक्त भी हुआ चाहता है, तो अब वापस आएंगे ब्रेक से जब, तो कुछ तो हम कुछ अच्छी 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 बात से हम दोबारा, बिल्कुल बिल्कुल, चाय भी टी टाइम में चाय ना हो ऐसा होता नहीं है, तो बिल्कुल जनाब हम अभी आते हैं वापस एक ब्रेक के बाद, आप देखते रहिए वॉइस ऑफ साउथ एशिया। वेलकम बैक जनाब, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ साउथ एशिया का टी टाइम और मोहम्मद अली शेखी हमारे साथ हैं और इतना अच्छा वो गाते हैं तो ऐसा हो नहीं सकता कि हम जो है वो उनसे कुछ सुने बगैर उनको वापस जाने दें। अच्छा शेखी साहब, आपका जो है वो हमारे एक जो लोक फनकार थे बहुत बड़ा नाम अलन फकीर साहब, उनके साथ गाया हुआ एक गाना तेरे इश्क पे जो वीडियो बड़ा हिट हुआ था, बड़ा जबरदस्त डुएट था, वो अपने गेटअप में थे, आप एक पॉप एंड रॉक उसमें थे, तो अगर आप थोड़ा सा गौर करें, मैंने हमेशा चैलेंजेस कबूल किए, ऐसे ऐसे गाने गाए हैं जो किसी ने पहले हिम्मत नहीं की, एक्सपेरिमेंट करते थे हर दफ़ा, जैसे शुएब मंसूर जो थे हमारे साथ वो भी एक्सपेरिमेंट, वो तो बहुत अजीब और गरीब प्रोड्यूसर थे, तोबा तोबा, बहुत सख्त थे वो, तो दो दो तीन तीन दिन मुसलसल स्टूडियो में होता था क्योंकि क्रोमा की नहीं करता था टेक्निकल वगैरह उस वजह से, मगर वो छोड़ता नहीं था कि भी करके जाओगे ये, और बिल्कुल परफेक्ट, फिर वो एडिटिंग बड़ा अच्छा करता था। खैर मैं थोड़ा सा टॉपिक से हट के, मैं क्या बोल रहा हूँ, अलन फकीर से हम बात कर रहे थे। अलन फकीर का जो जो है वो भी एक एक्सपेरिमेंट था, मैं और अपने सारे कजमी हम रंग तरंग कर रहे थे, तो हर रंग तरंग में पाँच छः गाने होते, जिसमें मेरे कोई दो तीन गाने होते थे, फिर फीमेल के दो तीन गाने होते थे, एक डुएट होता था वगैरह वगैरह, कभी हमने किसी को ले लिया, कभी लुबना नदीम थी, कभी कौन थी। इस दफ़ा देखा तो कोई लड़की नहीं, चली गई लुबना नदीम, अमेरिका चली गई, वहाँ चली गई, यहाँ चली गई, लड़की नहीं मिल रही थी, नए नए लड़कियों के लाए, कोई गिट्ठी थी, कोई मोटी थी, कोई दुबली थी, वो मज़ा नहीं आ रहा था बिल्कुल। तो अब हम बात करें क्या करें, जोड़ी को चेंज करें, ऐसे ग्रुप में बैठे हुए, दरवाज़ा खुला हुआ है करके थी, ठीक है, तो हमारे साथ नईम बलोच था, वो असिस्टेंट प्रोड्यूसर, वो बैठे थे सारे आदमी, माई सेल्फ एंड नियाज अहमद, सब एकदम से करके अलन फकीर अपना पोटला लिए हुए गुजरा था हमने से, तो नईम बलोच, अरे ये इसको ले लो यार, हाँ इस तरह, I swear to God, कि मतलब वो ऐसे ही हुआ था, हाँ
और सब हंस पड़े। बाद में सोचा व्हाई नॉट ले ले, व्हाई नॉट, एकदम टंग रहा। अच्छा क्लिक हुआ। हाँ मैंने बोला हाँ इसको ले। फिर वो सारे का आदमी बोले व्हाई नॉट, या व्हाई नॉट, कॉल हिम। बिल्कुल मैं बाहर निकला, मैं अलन भाई आइए, क्या है आइए, वो आ गया बैठ गया। राइट, मैंने कहा अलन सही आप अपने एक प्रोग्राम करना है, ऐसा ऐसा जो भी है, आप हमारे साथ करके। हाँ भाई भले भले। तो मैंने कहा कि वो आप ऐसा करें कि जो आपके हिट सॉन्ग्स हैं जो आपने दुनिया भर में जाके गाए हैं और अवार्ड्स लिए हैं, तो उनको आप थोड़ा थोड़ा सुना दें। सही। तो उसने सुनाना शुरू किया, सुनाना शुरू किया। जहाँ ये पहुँचा ना, हुम्मा हुम्मा। हाँ। मैंने कहा उस्ताद यही डालना है, यही है। बाबा। मैंने कहा सर दिस इज द सॉन्ग। सब कुछ हो गया, जावेद अल्लाह देते हैं। विजु शालीमार बड़ा स्टूडियो था यहाँ, उसके जो 2 इंच टेप था या 3 इंच, इतना बड़ा मोटा टेप होता था उस जमाने में। अब म्यूजिक मुझे तो पता था यहाँ यहाँ से क्यों है, यहाँ से गाना है, यहाँ से अलन फकीर तो तंबूरा वो फकीर आदमी वो तो उनका तो नाम ही अलन फकीर। जहाँ क्यों आए वहाँ वो निकल जाए, जहाँ क्यों आए निकल जाए। हाथ हिला हिला के तंग आ गए। मैंने कहा ये कुछ भी करो, फायर भी कर दो ना, नहीं रुकेंगे। तो उनका नाम ही अलन फकीर था ना शकी साहब। अब कैसा करें कैसा करें। तो अलन साई ने कहा कि अब करो, ठीक है अब मैं आपको देख के शुरू होगा। मैंने कहा आप जो है ना लय में रहना, और जहां मैंने कहा ना यूं, मैं एक मात्रा ये दो मात्रा पहले एक मात्रा पहले यूं करूंगा, आपने फौरन एक मात्रा के बाद अपने उठाना है, ठीक है। बोले मात्रा क्या होता है। मैंने कहा 1 2 3 4 1 2 3 4 जैसे मैंने ये किया ना। हाँ। ये मैंने किया, आपने एक बीट के बाद उठा लिया। सही। फिर उनको समझ आई, फिर वो गाना रिकॉर्ड हुआ। दिन के बाद रात को 8 बजे फाइनली ये सॉन्ग रिकॉर्ड हुआ। और फिर वो कितना बड़ा हिट साबित हुआ। और रिकॉर्ड हो गया तो हमको इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं थी। अब जनाब जो वीडियो हो रहा था, अब वीडियो कैसा करे, वहां भी अलन फकीर को काम नहीं था ना। अब पूरा दिन हम 11 बजे सुबह से शुरू हुए, रात के 8 बज गए। उसमें कोई भी मैं हरकत करूं तो वो सेम नजर आएगा। हाँ। ठीक है, अब क्या करें क्या नहीं करें पता नहीं। हमने फिर ऊपर से शोर मचाया सारे काजमी, मैं तुम लोगों को बैन करा दूंगी। तुम लोग क्या नहीं आ सकते, पूरा दिन आज हो गया ये। सही। एक गाना नहीं शूट है। अच्छा अलन को नहीं बोल रही। हाँ। हाँ, मुझे तो नहीं, मतलब मुझे मेरी तरफ कर रही, मुझे डर के मारे वो चला जाएगा वो। हाँ। खैर किसी तरह मैंने कहा अलन सही कर लो अब आप, मैं ऐसा मैंने वो इशारे बना लिए, ठीक है। हाँ। मैंने कहा मैं जब यूं करूँ ना शुरू हो जाना। वाह 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 क्या बात है। और यकीन माने कि वो गाना देखते हुए, हाँ सही है, और यकीन करें कि वो गाना देखते हुए, अब एज ऑडियंस हमें नहीं पता कि ये आपके इशारे थे जो आप अलन साई को दे रहे थे। रिकॉर्ड हो गया। अब वो एडिट जो हुआ तो उसमें सब आगे पीछे फिर वो एडिट पे कट लगे होंगे। अच्छा होता क्या था कि कंट्रोल रूम में जब एडिटिंग करने जाती थी तो वहाँ इंजीनियर जो होते, अगर वो टेम्पो में है तो वो सही जगह दबाएगा बटन। बिल्कुल, टेम्पो में नहीं है तो गलत दबाएगा। बिल्कुल, वो बड़ी मुश्किल से वो ही हो रहा था। वो सारा उनको बोली ठक तो उसके बाद दबा देता वो बीटी गई, उसके ज़हन में लय नहीं था। सही सही सही, वो सिर्फ उसकी इशारा देख रहा था। खैर फिर वो चेंज हुआ एडिटर,
फिर ये गाना फाइनली शूट हो गया, फिर चला, फिर एडिट हुआ, फिर चला, फिर एडिट हुआ, फिर चला, फिर एडिट हुआ, फाइनली अब गाना चल गया। शहर में खामोशी, पहले तो चैनल भी नहीं थे ना, हाँ बहुत कम थे, तो पीटी खामोशी, पूरा शहर कराची सन्नाटा, कोई फीडबैक नहीं आया। आप लोग बहुत निराश हो गए यार, इतनी मेहनत की और फीडबैक नहीं आया। देखो यार अल्लन तुम्हारी अल्लन पे गुस्सा में, मुझे क्या पता अल्लन की वजह से इतना बड़ा काम हो जाएगा, अल्लाह मियाँ की कुदरत है। फोन आया मुझे मुइन, एक है हमारे प्रोग्राम मैनेजर की जो पी आर है, तो जो बाहर सेक्रेटरी, अरे भाई आप फौरन आइए टीम। क्या हुआ, कुछ गलत हो गया, मुझे मार देंगे, क्या कर देंगे, बस आ जाइए आप थोड़े। मैं चला गया टीवी में, गुस्सा अंदर गया। अब मैं दरवाजा खोल रहा हूँ, ये प्रोग्राम मैनेजर का खुल नहीं रहा, तो मोइन कहने लगा अरे भाई जरा पुश कीजिएगा। मैंने पुश किया, जैसे बहुत बहुत सारे पेपर जो है ना दरवाजे के नीचे पुश किया, तो कमरे में इतने सारे टेलीग्राम पड़े हुए, इतने सारे टेलीग्राम पड़े हुए और तारीफ इस गाने की, को किसी भी सूरत में आपने दिन में कुछ 24 मरतबा चलाना। क्या बात है, क्या बात है। तो ये था फीडबैक। अच्छा उस वक्त क्योंकि सोशल मीडिया का दौर नहीं था, तो लोग ऐसे ही पत्र लिख के बताते होंगे आर्टिस्टों को। इतना बड़ा हेट, इस्लामाबाद से कॉल, इधर से कॉल, लेटर, ये वो फलाना, तो बस फिर वो हमारे नाज़रीन के लिए गुनगुना दे। अल्लाह अल्लाह कर भैया, अल्लाह ही से डर भैया, हुम्मा हुम्मा चल भाई चल, थुमक थुमक थुमता थैया। और फिर आपका जो पार्ट था उसमें, हाँ वही था ना कि तेरे इश्क में जो भी डूब गया उसे दुनिया की नजरों से डरना क्या, तेरे इश्क में जो भी डूब गया उसे दरिया की लहरों से डरना क्या, तेरे इश्क में जो भी, अल्लाह अल्लाह कर भैया, अल्लाह ही से डर भैया, हुम्मा हुम्मा चल भई चल, धुमक धुमक तुमता थैया। क्या बात है, क्या खूबसूरत उस वक्त आप लोगों की केमिस्ट्री ये बनी ट्यून है। और पता नहीं एलन फकीर ने बताया कि 5000 साल पुराना ट्यून है ये। ओह वाओ, मुंजे दड़ों से आया है। ओह खैर वो एग्जैजरेटेड। अच्छा वो जो हुम्मा हुम्मा कहते थे उसका मतलब क्या था? हुम्मा हुम्मा का मतलब इतना अजीब गरीब है, लतीफ साई है ना, उन्होंने तशबीहात बनाई है अल्लाह ताला की, सही अल्लाह ताला की कुदरत की। वे खर जो सॉरी थर, थर का जो डेजर्ट है वेरी हॉट, मतलब वहाँ तो उस वक्त जो आई थिंक 45 डिग्री, हाँ टेम्परेचर बहुत हाई होता है वहाँ। वहाँ भैंसे जो होती हैं उनको चरवाहा लेके घूम रहा होता है, जहाँ पानी बच जाता है बारिश का, जो हर तालाब से बन जाते हैं ना, उसमें वो भैंसे नहाती है, हाँ, और फिर वो निकलती नहीं है, उनको निकलने के लिए हुम्मा, मतलब बाहर निकल, बाहर निकलने के लिए। okay. अच्छा कोई भैंस भूरी होती थी या बिल बिटारी है प्यारी, वो जो अलन साहब के ये नाम होते हैं भैंसों के, कुंडली वाली फलाना वाली, तो ये सब लतीफ साई का है और कलाम है, बहुत जबरदस्त है। मतलब इसमें आता ना लगे चल प्यारी, तो वो भैंस वही कह रहे हैं। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट रहा एंड वेरी सक्सेसफुल माशाल्लाह से लगे। तो खैर जनाब बहुत मज़ा आया शेकी साहब से, इतनी मज़े मज़े की हमने बातें की और हमें पता चला हुम्मा हुम्मा का मतलब भी आज जो हम बचपन से सुनते आ रहे थे। बहुत शुक्रिया शेकी साहब हमें वक्त देने के लिए, थैंक यू सो मच। और जनाब आपने जो है वो ज़रूर हमें फीडबैक देना है कि आपको जो है वो आज का शो कैसा लगा है। इंशाल्लाह ऐसे ही अगले एपिसोड में ऐसे ही किसी आपकी ज़बरदस्ती शख्सियत के साथ हम आपकी मुलाकात करवाएंगे। तब तक आपने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है और मुझे और मोहम्मद अली शेकी साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह नेगेबान।